कभी पेट फट के दूसरा निकले? ये अपने आप को कायाकल्प करता रहता है। जैसे आपने देखा, देखिए आप प्रत्येक देखिए हमारे देखने से ये देखिए, हाँ। ये ऊपर का देखिए पूरा फेस आपका सड़ रहा, हाँ। गल्ला, हाँ। अंदर देखो, अंदर अंदर जाके वो देखो। इसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी ने बैठ के 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे साधना किया था, तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। पहले समय में 1-1 लाख वर्ष उम्र होती थी, तब वो इतने सालों तपस्या करते थे। और कभी भी आपको इसमें पतझड़ नहीं मिलेगा। अच्छा। आप पूरे 365 दिन आके आप देखेंगे इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। इसी पेड़ का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। 14 कोस जी, हाँ ऐसे ही जी। जब 980,064 वर्ष पुरानी घटना बता रहे हैं, तब ये बिहार जंगल था, तो इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लोकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मावर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमारी, इसी वन में माँ सीता छोड़ी। जब लक्ष्मण छोड़ गए थे तो वाल्मीकि जी वहां सिलवा लाए थे, तब सीता जी का यहाँ पे नाम वन देवी रखा था, तो ये वन देवी कुटिया है जहाँ पे वन देवी के रूप में रही। फिर यही लव कुश का जन्म हुआ, नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ है जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ है, और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश। हाँ, हाँ। जब बांध के लाए तब माँ से कहते, माँ देखो एक बंदर लाए पकड़ के, नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ है। अच्छा, अब वो स्थान बन गया, मंदिर बन गया, पहले पेड़ वृक्ष थे, हाँ बैठ सकते हैं। और लव कुश कहाँ बैठा हुआ था? वही नीचे गेट पे, हाँ वही पे पहले लव कुश का जन्म हुआ है। फिर बाद में हनुमान जी को वहां बांध लाए हैं, जन्म पहले हुआ, फिर विद्या अध्ययन किया, सब कुछ किया, तब बाद में आज बांध के ले आए, तब सारा भेद और परिचय खुला। वाल्मीकि जी ने राम जी के नहीं, राम जी के जन्म होने से पहले घटना लिख दी थी, 1100 वर्ष पहले राम जी के जन्म होने से घटना पूरी लिख दी थी जी।